इंतजार। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसीलिए इंतजार ना करें, अपने काम में लगे रहें और दुनिया को जीत लें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल भोला फिटनेस। आज का जो आसन है उसका नाम है उत्थित पार्श्वकोणासन। इसके करने का तरीका और इसके फायदे दोनों मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि मेरे भोला फिटनेस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ पूछना हो बताना तो कमेंट्स कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट उत्थित पार्श्वकोणासन। तो उत्थित पार्श्वकोणासन करने के लिए उसी तरह पैर अपने कंधे के सूत्र आप खोलेंगे, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा खोलेंगे और हाथ को सीधा ऊपर उठाएंगे नीचे से ऊपर और ये पैर इस तरफ मोड़ेंगे और सीधा ऐसे डाल हो जाएंगे। इस बार हाथ इस तरफ ना करके इस तरफ आएगा और ये हाथ ऐसे रहेगा। ये पूरा पोज हो गया उत्थित पार्श्वकोणासन। यहाँ पे आप 5 10 15 20 25 30 सेकंड रुकेंगे जितनी आपकी कैपेसिटी। इसके बाद सीधा ऐसे फिर ऐसे तो ये पूरा पोज है। एक बैंड हो जाएगा, नी बैंड, हाथ जमीन पर, हथेली पर और ऐसे पैर भी देखिए, पैर मुड़ा हुआ है, ये अपने सिर पे और यहाँ पे। तो ये उचित पार्श्वकोणासन है, इसे आप घर पर जरूर करने की कोशिश करें। इसके फायदे अगर मैं बताता हूँ तो हमारी माँ और बहनों में जो मासिक प्रॉब्लम होती है, जो तकलीफें होती हैं, उससे इसमें निजात मिलेगी, शरीर में स्टेमिना आएगा, ताकत आएगी और पैर, जांघ, पेट, कूल्हे और हाथों की भुजाएं, इसमें भी फायदा मिलेगा। साइटिका की प्रॉब्लम वाले भी इससे ठीक हो जाएगा, साइटिका का प्रॉब्लम। तो इस आसन को आप घर पर करने की जरूर से जरूर कोशिश करें और खासकर हमारी माताएं बहनें करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। तो आसन को घर पर जरूर करने की कोशिश करें। YouTube चैनल और मेरे भोला फिटनेस में बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।